हाँ मैंने ऑन कर दिए। ऑन कर चलो दीजिए। चलो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताना। स्क्रीन स्क्रीन शो हो रही है? हाँ जी हो गई है। ठीक है, ये मूव भी कर रही है? ठीक है ना, हाँ जी, हाँ जी कर रही है। ठीक ओके है। अरे अब ये तो, अब ये जो मैंने पिंटरेस्ट खोली है ना, ये मेरे पास डायरेक्ट वो आइटम्स उसने मुझे दिखाना शुरू कर दिए, क्योंकि मैंने पहले सर्च की हुई थी। ठीक है, तो आप भी जब एक दफा सर्च करोगे, तो आप जब ये दूसरी बार पिंटरेस्ट खोलोगे ना, आपको फिर इस तरह की उसी से मिलती जुलती चीजें दिखाना शुरू कर देगा। वैसे मैं अंदाजा इनको भी खोल लेता हूँ अपने पास, ठीक है, जैसे ही मुझे एक ही आइटम नजर आया। या फिलहाल मैं आपको स्टार्ट से बता देता हूँ, इसको तो मैं बाद में देखूंगा। आपने ना ये पिंटरेस्ट पे आ जाना, ठीक है, pinterest.com पे। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से, अब ये मैंने, क्योंकि पहले मैंने चीजें सर्च की थी, मुझे ये आइडियाज पहले से ही दिखा रहा है। ठीक है, आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं किचन गैजेट्स, किचन टूल्स, स्मॉल किचन टूल्स, इस तरह मैंने लिखी है मुख्तलिफ फ्रेजेस। तो किचन गैजेट्स मैं यहाँ से खोल लेता हूँ। अब यहाँ ना आपके पास डिफरेंट किस्म की पिन आ जाएंगी, हर पिन में डिफरेंट आइडियाज होंगे। ठीक है, जहाँ से आपको लगे कि यार ये कुछ वेबसाइट्स होंगी, और कुछ ऐसी डायरेक्ट अमेजोन, कुछ अमेजोन की होंगी, कुछ यूट्यूब के लिंक्स होंगे। ठीक है, आपको लगे ये टूल्स इफेक्टिव हैं, तो हम यहाँ से इनको आप खोल लें। ठीक है, जैसे ये एक मैं कहता हूँ, इसमें कोई डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट मुझे मिल सकती है, इसको मैं ओपन कर लूंगा, और एक इसको ओपन कर लें। ठीक है, और यहाँ से और देख लो। ठीक है, एक यहाँ से देख लो इसको, ये वेबसाइट्स हो जाएंगी। और आप यहाँ से एक और चीज भी कर सकते हो, साथ अमेजोन भी देख दो कुछ कुछ, क्योंकि कुछ कुछ ऐसी आ जाती है ना, फिर उसमें डायरेक्ट डायरेक्ट अमेजोन का लिंक दिया होता है उसने पिन के अंदर, तो वहां से डायरेक्ट आपका अमेजोन का खुल जाता है पेज। ठीक सर, आपको सजेशन देना शुरू कर देगा, आप खुद भी देख सकते हो। अच्छा, अभी यहाँ पे मेरे पास आ गई हैं चीजें। ठीक है, यहाँ आप यहाँ से ये भी देख सकते हो, YouTube का जब आप लिंक खोलते हो ना, और आप एक पिन को जब आप ओपन कर लोगे ना, किसी पिन को, उसके नीचे आपको और शो होना शुरू हो जाए। ऐसे मैं इसको ओपन करूंगा ना, तो इसके नीचे मुझे और ओपन होने, ओपन होके नजर आ जाएंगे। और इनमें देखोगे आप, आपको ये अमेजोन के लिंक मिलना शुरू हो जाएंगे डायरेक्ट यहाँ से। किसी किसी का डायरेक्ट अमेजोन का लिंक होगा, किसी का नहीं होगा। जिसका होगा ना, उसका डायरेक्ट अमेजोन पे खोल लेना, और जिसका नहीं होगा, उसकी यहाँ से ये वीडियो से देख लो। क्या इसके, इन्होंने यहाँ पे एंड पे अक्सर इन्होंने वो दिए होते हैं नाम। इसमें नाम नहीं बताया, लेकिन इसने इसके अंदर बताई है वीडियोस, वीडियोस में ना बहुत सारी टूल्स बताए हैं। तो आप यहाँ से देख के ना, उसको प्रोडक्ट का आइडिया लगा के, जैसे दिखा है फ्लावर स्नैक बॉक्स, इसको आप amazon.com पे जाके देख सकते थे कि ये चीज़ वहाँ पे सेल हो रही है या नहीं हो रही। क्योंकि ये वो आइडियाज हैं जो आपको टूल्स वगैरह से मिलेंगे नहीं, और ये यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे जिनका कम लोगों को पता होगा। ठीक है, ये सजेशन में भी आ गया, ये हमारे पास ये आ गया प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन इसको हमें देख के नजर आ रहा है, इसको इतना ज्यादा लोग बेच नहीं रहे इसीलिए। लेकिन आपने इसका वो कर लेना, आप इसको ना न्यू टैब में ओपन कर लो, जो आपको वो प्रोडक्ट लग रही है जो आपने इसको खोली, क्योंकि आपको उससे नए कीवर्ड्स मिल जाएंगे, कोई अच्छे नए कीवर्ड्स मिल जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक और वेबसाइट खोली थी, जिस तरह यहाँ पे ना आपको मुख्तलिफ थिंग्स नजर आएंगे, उन पर लिखा होगा था कूल प्रोडक्ट 33, जिस तरह, या जिस तरह यहाँ पे आप और मजीद देख सकते हैं कूल इन्वेंशंस, इस तरह इनको आप न्यू टैब में ओपन करके यहाँ से आपको आइडियाज मिलते रहेंगे। ठीक है, ये amazon.com का लिंक आया, इसको मैंने खोल लेता हूँ। एक ये मेरे पास एक आई है, ये वीडियो है। सर आपको ऐसी कोई छोटी छोटी चीजें नजर आए ना जो इफेक्टिव होंगी, उनको आप खोल लो। ये देखो, इनके ऊपर आपको अमेजोन का लिंक नजर आ जाएगा।
फिर आप खोलोगे आपको नीचे और मिल जाएंगी। ठीक है, इसमें इन्होंने वीडियोस डाली हुई हैं। एक मिनट, ये आपने वीडियोस वाली नहीं देखनी, आपने वो देखनी है जिनके अंदर कोई लिंक, जिनके अंदर लिंक दिया होगा ना, ऐसे ही आ गया और ये आ गया। इस तरह करके 5-10 खोल लो बस, या और एक इस तरह खोल लो यहाँ से ना। स्मॉल हूं तुम लिख सकते हो, या आप यहाँ पे एक और चीज लिख सकते हो इस तरह स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स एक्सेसरीज लिख सकते हो आप, कोई भी डिफरेंट किस्म की चीजें लिखो, और यहाँ से ना आपको या आप यहाँ पे लिख दो ये इस तरह की जो पिन खुलती है ना, ये वाली इस तरह जिनमें आइटम्स लिखी होती हैं, इनको आप नेट ऐप में ओपन कर लो, आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी मिलती जुलती। ठीक है, इस तरह हम यहाँ पे एक और लिख लेते हैं ऑफिस। यहाँ से इसकी इसकी ये पिन खोल लो, उसके नीचे आपको ऑफिस से रिलेटेड और प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, और जहाँ पे वेबसाइट आ रही है वहाँ से वेबसाइट पे खोल लो, और जहाँ से दूसरी आ रही है वहाँ से डायरेक्ट खोल लो। ठीक है, लेकिन किचन की, किचन में ज़्यादा देखो, किचन में आपको ज़्यादा अच्छी मिल जाएगी। वहाँ से आप अभी जो अमेजोन की लिंक्स ओपन की है ना, ये देखें ये जो प्रोडक्ट है इसको, वैसे हमें पता है एक क्राइटेरिया मीट नहीं कर, लेकिन इसका जब आप रिवर्स सर्चिंग करोगे ना, इसको ओपन कर लो टैब, इनको छोड़ दो, ये खुली रही, हमें ये यूनिक प्रोडक्ट है, ये भी खुली रहे, ये भी खुला रहे, और ये भी खुला रहे। ठीक है, यहाँ से थोड़ी और देख लेते हैं, ये भी यहाँ पे आपको इस तरह की मिल जाएंगी पिंस, यहाँ से आप इसको खोल सकते हो। ये आप लिख सकते हो कि वो आप पे डिपेंड करते हैं आपने किस तरह देखना है। ऐसे ये लिंक आई है हमारे पास 23 कूलर्स किचन आइटम ऑन अमेजोन, इसको खोलूंगा मैं इस तरह की, यहाँ से जाके देख लूंगा, ये मुझे यहाँ से प्रोडक्ट्स नजर आ जाएंगी। ठीक है, इनको मैं जाके अमेजोन पे देखना शुरू कर दूंगा, शीट पेन, पेन ऑर्गेनाइजर, इसको आप जाके अमेजोन पे देखोगे, और फिर आप इसका आपने क्या कर लेना, जो आपको बेस्ट सेलर लग रही होगी ना उसका रिवर्स सेशन कर लेना, आपको नई नए कीवर्ड्स मिल जाएंगे प्रोडक्ट डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों की। इस तरह यहाँ से अब आप आके देखो, आपको यहाँ से देखो, ये आपको, ये आपने पहले प्रोडक्ट पहले कभी देखी नहीं होगी। ठीक है, ये अमेजोन पे खोल गया, हो सकता है अमेजोन पे किसी और कीवर्ड से सर्च हो रही हो, ये कौन, आई थिंक ये कौन पिलर के नाम से सर्च हो रही है। देखिए आपके पास ये आ जाएगी, आप इसको ना इस तरह कर लो, इस पर आप जेएस रन कर लो, यहाँ आप यहाँ से कोई भी या टूल रन करके देख लो, जिस जो बेस्ट सेलर होगा ना उसका वो कर लो, रिवर्स एसिंग कर। इस पर अभी टाइम लगेगा, ये अभी लोड होगा तो इसे देख लेते हैं। इस तरह मैंने यहाँ पे एक और खोले थे,
अच्छा वैसे टिकटॉक से भी आपको बहुत अच्छे आइडियाज मिल जाएंगे, टिकटॉक से और इंस्टाग्राम से। Amazon kitchen gadgets you need. First up is a soap dispenser. With any dish soap, and then when you press down with your sponge, it dispenses soap right onto it. यहाँ से आपको चीजें पता चल जाती हैं। आप ऐसी मोबाइल में टिकटॉक ओपन करके ना, यूएस वाली, वहां से आप सर्च करो अमेजोन किचन प्रोडक्ट्स। बहुत सारे लोग प्रमोशन करवाते हैं टिकटॉक टिकटॉकर से, इसकी रिकमेंडेशन और भी आ रही हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हो और जाके मजीद। फिर मैंने एक और लिंक खोली थी, यहाँ से मुझे प्रोडक्ट्स दिखा रहे कुछ। यहाँ पे आप लिख लोगे प्लास्टिक स्टेपल्स, सर यहाँ आपको इसका कीवर्ड आपने अंदाजा लगा लेना है, ठीक है, या सॉफ्ट डिश यूँ कॉपी करके डाल दो, आपको प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है, इसको देख लो, इसको देख लो, ओरिगामी बोर्ड्स। चलो वो आ गई होगी। अच्छा आपने, अब आपके पास आपका आपका मकसद यही था कि आपने बस प्रोडक्ट्स डायरेक्ट ढूंढनी है, आपको आपको भी बस यूनिक आइडियाज जनरेट करने थे, ठीक है, वो आपको मुख्तलिफ तरह से मिल सकते हैं। मैंने आपको बताया डिफरेंट, आप सर्च टर्म्स आप फाइंड करो और वहाँ से आपको जो अच्छा मिले ना, अच्छा सेलर मिले या अच्छी आइटम नज़र आए, उसको न्यू टैब में ओपन कर लो, उसकी पिन के अंदर जो लिंक दिया है वो ओपन कर लो, या किसी किसी के अंदर डायरेक्ट अमेजोन का लिंक दिया होगा वो ओपन कर लो, और अगर कोई वेबसाइट मिली है तो वहाँ से उसको देख के अमेजोन पर सर्च कर लो, और फिर उस पर टूल रन करके जो बेस्ट सेलर होगा ना, बताता हूँ ये, ठीक है, इसका आप एसएम कॉपी कर लो, ऐसे ठीक है, और फिर आप इसको यहाँ पे इसमें आके देखना शुरू कर दो, इसको नहीं करेंगे, इसे हम किसी भी एक खोल लेते हैं, और एक और चीज़ भी आप कर सकते हो, इनके इनके स्टोर से भी आप जाके देख सकते हो कि ये और क्या क्या बेच रहा है, ठीक है, स्टोर फ्रंट से आपको बहुत अच्छी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल सकती हैं, तो जो भी सेलर हो ना जिस भी कैटेगरी का, उसके स्टोर पे उसके स्टोर फ्रंट को लाजमी देखा करो। तो फिलहाल इतने कैसे इनका कीवर्ड्स देख लेते हैं, क्या हुआ, ये देख रहे हो आपको यहां से और मिलना शुरू हो जाएगी, यहां से देख लो, यहां से देख लो, ये देख लो, ये देखो, इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन पे नॉर्मल नजर नहीं आएंगी, आपको यहां से ढूंढोगे ना, तो फिर आप अमेजोन पे जाके देखो, हो सकता है आपको कोई ना कोई आइडिया ऐसा हो जो बहुत कम लोगों को पता हो, लेकिन वो अमेजोन पे बड़ी अच्छी चल रही हो और उसमें कंपटीशन भी बिल्कुल लो हो, तो यहाँ वो प्रोडक्ट्स आपको इसी तरह मिले, चल नहीं रहा भाई। जी हमजा भाई, जो आपने सारे ऐसे ने एक ही जगह पे डाल दिए हैं, तो अगर हम लेदर लेदर सारों को डाल दें और एक जगह पे जो सारे आपने डाले हैं दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ टाइम बच जाएगा ये फर्क है या और भी शायद रिजल्ट अच्छे आ जाए? हाँ टाइम बच जाता है, टाइम बच जाता है, और दूसरी है डिफरेंट कैटेगरीज की आप अलग अलग भी देख सकते हो, आप अगर आपको कोई प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छी लग रही है ना, या आपको लग रहा है उसमें कीवर्ड्स के काम आया, तो आप अलग अलग करके देख लो, आप अगर आप आठ टाइम ज़्यादा लगा सकते हो, अलग अलग भी ठीक है, इकट्ठा भी ठीक है, इकट्ठे में एक ही बार सारी कवर हो जाती है ज़्यादातर मैक्सिमम चीज़ें, फिलहाल इतने इन गई कर लो।
पता नहीं इसका क्यों नहीं चल रहा। अच्छा मतलब भाई दो क्वेश्चन है मेरे, पूछ जी पूछो। एक तो ये कि जब रेवेन्यू को जो आप जेएस को हाई टू लो सॉर्ट आउट कर देते हैं तो उसका क्या फर्क होता है? हमने तो हालांकि ऑर्गेनिकली ऊपर टॉप 10 वालों को देखना होता है, तो वो तो फिर पता नहीं कौन कौन ऊपर आया था, तो अगर हमने इसी तरह करना होता तो फिर तो हमें रैंकिंग की जरूरत नहीं पड़े। और ऑर्गेनिकली पता क्या होता है, ऑर्गेनिकली में ज्यादातर टॉप पे अब वो आ रहे होते हैं जो लीडिंग फेज में होते हैं, मतलब जिन्होंने अभी अभी लॉन्च की होती है और वो गिव अवे पे गिव अवे करते जा रहे हैं। ठीक है, तो हम इस वजह से रिवेन्यू शॉर्ट कर लेते हैं ताकि हमें वो सेलर मिले तो जो पहले से बेच रहे हैं, हम उसके डाटे पे जाएं इसलिए। बाकी आप अनसॉर्टेड को भी एक दफा आप देख सकते हैं, उसको भी आपने देखना है, सिर्फ सॉर्टेड पे नहीं जाना, क्योंकि जो अभी जो अपडेटेड क्राइटेरिया है ना, अपडेटेड क्राइटेरिया उसमें हम सॉर्टेड को ही देखते हैं, सॉर्टेड के रिजल्ट्स पे जाते हैं, तभी इसमें एवरेज रिव्यूज ज्यादा कर दिए गए, क्योंकि सॉर्टेड में वही रिवेन्यू हाई होगा तो उनके रिव्यूज भी हाई होंगे। अच्छा टॉप एक टेन और हम भाई ना जी हाँ, टॉप 10 के आपके 1500 एवरेज रिव्यूज होने चाहिए मैक्सिमम। अच्छा हम भाई एक है कि मैं ना वेरिएशंस का थोड़ा मुझे ना बहुत कंफ्यूजन है उसकी ना, मुझे लग रहा है कि मैंने ना कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट तरीके से करके ना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट को भी यानी हाथ से निकाल दिया है, जिन हालांकि कुछ शेयर भी अच्छे हैं, क्योंकि ना मैं वेरिएशन के मुताबिक मुझे ये कि वेरिएशन ना कुछ ज्यादा ही एक या दो एग्जांपल जरा वेरिएशन के मुताबिक देते हैं, क्योंकि मैंने एक जगह सुना है कि अगर एक प्रोडक्ट उसका एक मटेरियल है, एक डिजाइन है, एक कलर वगैरह, ये तो होगी तीन वेरिएशन, ठीक है? तो लेकिन एक ना सीनियर से उन्होंने मुझे बताया था कि अगर एक मटेरियल है वो सिलिकॉन का, एक है स्टेनलेस स्टील, ठीक है? एक प्रोडक्ट के दो मटेरियल है और आगे उनके आगे साइज में भी फर्क आ रहा है, स्मॉल लार्ज वगैरह ना, तो ये अगर एक सिलिकॉन का स्मॉल लार्ज हो गया तो ये हो गए तीन वेरिएशन इधर होगी, यानी कि टोटल छह हो गए, तो ये चार तो हम कर सकते हैं, तो इसमें जरा बहुत कंफ्यूजन है। हाँ, इसमें वेरिएशन में देखो, अगर आपके पास तीन कलर्स हैं तो तीन वेरिएशन होगी। अब उन तीन कलर्स के आगे तीन साइजेस आ रहे हैं ना, तो अब हर कलर के तीन साइज होंगे, मतलब टोटल 9 वेरिएशंस हो जाएंगी फिर इस तरह, तीन कलर और तीन साइज पे सिर्फ, क्योंकि हर कलर के तीन साइज हो जाएंगे, तो हम चाहते हैं कि 5 से ज्यादा वेरिएशन ना हो, मैक्सिमम 4 या 5 एक्सेप्टेबल है। वो फिर इसमें डिजाइन का आ जाता है, कलर कलर में तो ज्यादा हो जाती है, कलर और साइज में ज्यादा हो जाती है। हम तो भाई इसमें तो हर प्रोडक्ट के वेरिएशन इतने ही होते हैं, कलर तो हर किसी का डिफरेंट होता है, तकरीबन काफी ज्यादा कलर होते हैं, मटेरियल कलर भी। वो हमें शो हो रहे होते हैं ना, जब आप लिस्टिंग ओपन करते हो ना, यहाँ पे जो कलर शो होते हैं ना, एक्स्ट्रा जो दे रहा होता है हर सेलर, वो उसकी वेरिएशंस होती हैं। लेकिन ज्यादातर में आप देखोगे, ज्यादातर में एक जैसी चीजें होती हैं, कलर्स करना फर्क नहीं होगा, जो सही प्रोडक्ट्स होती हैं। अब ये जैसे इसमें देखो, ये सारी एक जैसा, इसमें वेरिएशंस नहीं है, एक जैसी चीज है, इस तरह की होनी चाहिए प्रोडक्ट अक्रॉस द पेज एक जैसी, तो थोड़ा बहुत डिजाइन का फर्क आ जाता है अब कभी कभी। ये देखें, एक तो इसके डिजाइन का फर्क आ गया, ठीक है, हाँ एक ऊपर आधा, से। हाँ हाँ ठीक है, मतलब इधर एक और कोई लिस्टिंग खोल के बताना जरा मुझे ना, फिर जरा एक और कोई क्लियर हो जाएगा। और मैं आपको इसमें, आप यार ये देखो, अब इसमें एक आध थोड़ा बहुत इस तरह के आ सकते हैं, लेकिन बाकी सारे इस तरह वाले ही होंगे। अब मतलब आप क्या हो कि 70% जो है ना, 70% आपको एक जैसी चीज नजर आनी चाहिए। तो चेंजेस आ रही हैं, लेकिन मैक्सिमम में व्हाइट नजर आ रही है, थोड़ी बहुत तो आएंगी बीच में, जी, बिल्कुल। बस अपने माइंड में आप रख लो कि 70% जो है ना वो होनी चाहिए अक्रॉस द पेज आपकी सेम प्रोडक्ट। ठीक है, और ये रिवेन्यू आपने इस तरह चेक कर, हाँ जी, हम सभी वो कॉटन ग्लव्स जो मैंने किया थे एक सेंड आपको, वो उस कॉटन के अलावा क्या है उसमें, मतलब है? या ग्लव्स में जाते ही नहीं है ना,
क्लॉथिंग में मसले आ जाते हैं। ग्लव्स, ग्लव्स आप ग्लव्स को अवॉइड ही करो, ये इन इस तरह की चीजों को भी अवॉइड करो, ये जो है पेपर कप्स, इसमें तो फिर वैसे अमेज़न बैठा हुआ है, वैसे आप इसको इन प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करना है, पेपर की और इस तरह की हुक्स, हुक्स वाली प्रोडक्ट्स को भी अवॉइड करने है। ठीक होगा। नहीं वो वैसे उस हमजा भाई को समझाने के लिए कि वो 70% उसका सेम ही है, बल्कि 70-80% ही सेम है वो, उसे उसामा भाई को समझाने के वेरिएशंस। ठीक है समझ आ गई है, ठीक हो जी जी, ठीक है हमजा भाई समझा। यार ये मेरा हीलियम अभी मसला गा रहा है, तो मैं उसको मैं एक बार और देख लेता हूँ, नहीं तो आपको बता देता हूँ फिर क्या करना है। नहीं तो मैं इसको देख लेता हूँ। सिंगल का ही करके देख लेते हैं, इसी का कर लेते हैं। चल गया, नहीं तो मैं यहाँ से अभी आप देख सकते हो मेरी, आप वाली वीडियो देखना अपॉर्चुनिटी फाइंडर वाली, यहाँ से आपको बहुत ज्यादा आइडियाज मिल सकते हैं जीएस के अपॉर्चुनिटी फाइंडर से। और ब्लैक बॉक्स का भी आपको एक चीज बताता हूँ जी, ये इनके पास जो भी है ना सबके पास टूल्स, हमारे उसामा के पास बस है ये वाला जेएस वेब, बकाया सबके पास नहीं है, वो जो हमने पैकेज लिया ना वो जेएस वेब नहीं है हमारे पास। उसमें क्या क्या है? उसमें बकाया सारा कुछ है, जेएस एक्सटेंशन है, हीलियम एक्सटेंशन, वायरल लॉन्च एक्सटेंशन, और कीपा और मर्चेंट वर्ल्ड, ये। अच्छा ठीक है, ये अभी हमारे पास ये आ गए हैं जो मैंने, अब मैंने जो कल बताया था आपने इसको सॉर्ट किस तरह, यूएस में मैं 10,000 से नीचे जाता ही नहीं, यूएस में मैं 10,000 से नीचे नहीं जाता, लेकिन कभी कभी अगर 10,000 भी कम रिजल्ट मुझे मिल रहे हो ना तो मैं 6,000 कर देता हूँ या मिनिमम 5,000 कर देता हूँ। ये सिर्फ 61 रह गए हैं कीवर्ड्स, वैसे मैं इसको 6,000 कर देता हूँ, थोड़ा सा ज़्यादा आपको ऑप्शन ज़्यादा मिल जाए, आप लोगों ने रिस्ट्रिक्ट नहीं। और ये दो, ये मैक्सिमम 4 के लगा दो या 5 का लगा दो, और इसको यहाँ से ना सर्च वॉल्यूम से हाइट से लो सॉर्ट कर लो। दूसरी चीज़ आप एक और भी चीज़ कर सकते हैं, इसको सेरिब्रो आईक्यू स्कोर से सॉर्ट करो, आईक्यू स्कोर जिसका ज़्यादा होगा ना उसका मतलब वो इसके अगेंस्ट कंपीटिंग प्रोडक्ट्स बहुत कम है। ठीक है, जैसे देखिए इसके अगेंस्ट सिर्फ कंपीटिंग प्रोडक्ट 27 है, और ये पता नहीं क्या चीज़ है, ये कोई दूसरी आइटम है, इसलिए इसमें ये है। और ओपन करने से पहले इसको देख ले, इसका सर्च वॉल्यूम ट्रेंड अच्छा नहीं है, इस तरह आपको यहाँ पे भी मिल जाएंगे कीवर्ड्स। वैसे ये जेएस वेब में लिखनी आपके पास नहीं है, ये भी अच्छा है, ये भी चीजें काफी बता देता है, ये पीपीसी की बिड भी बता देता है, ये जब आपने जब आप रैंकिंग करनी हो ना, आपको एक्स्ट्रा चीज बता रहा हूँ, तो आप पहले अपनी कीवर्ड चूज करने से पहले आप यहाँ पे आके ना ऐसी कॉपी कर लो कोई कंपेटिटर के, और आप वो कीवर्ड्स चूज कर लो जिनकी बिड कम होगी, ताकि जब आपने रैंकिंग करनी हो ना तो आप वही उन्हीं कीवर्ड्स को टारगेट करो, आपको बिड का पहले से ही पता होगा। अच्छा ये अलग अलग बात थी, ठीक अब ये आगे चीज ग्रेटर, लेकिन इसमें वो होगा हाई कंपटीशन होगा। बैगल स्लाइसर पहले सारों को एक दफा खोल लो फिर देख। ये आगे इसको छोड़ दो, इसके हाई रिव्यूज हैं, इसको इस तरह कर लो, इसके जिसके हाई रिव्यूज हो ना उसके स्टोर फ्रंट पे चले जाओ सीधा सीधा, इसमें भी है लेकिन इसमें इतनी वो नहीं है, इसको फिर देखना पड़ेगा रन करके। एक ही आ गया, एक्स स्लाइसर, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वो आ रहे हैं डिजाइन, इसका रिवेन्यू भी इस तरह नहीं है, ठीक नहीं। इसमें भी जब आप रन कर लो ना, या अगर डायरेक्ट आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो बेस्ट सेलर हो ना, जिसके पास बेस्ट सेलर का टैग हो यहाँ पे,
या बेस्ट सेलर रहा नहीं मेरा ना, तो जो ऑर्गेनिकली टॉप है उसकी उसका ओपन कर लो, या जिसको अमेजोन चॉइस मिला उसको ओपन करके स्टोर फ्रंट पे चले जाओ, जो प्रोडक्ट का भी क्राइटेरिया भी मीट नहीं कर रही उसका बता रहा हूँ। इसका भी ये खोला लेकिन इसका रिवेन्यू बिल्कुल बिल्कुल खत्म है, इसको भी आप देख सकते हो। ठीक है, और इसका स्टोर फ्रंट खोल लो, इसका स्टोर फ्रंट खोल लो, उसका स्टोर फ्रंट खोल लो, इस तरह आपको देखते जाओ। फिर यहाँ से साथ साथ, यहाँ से साथ और कीवर्ड्स देखते जाओ। ठीक है, ऐसे ही आ गया अकाउंट स्ट्राइक पर। अब ये इसका असल कीवर्ड इसका ये था जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा आया है, ये इसका मेन कीवर्ड था इस प्रोडक्ट का जो हमने की है। ठीक है, तो यहाँ से आपको और भी मिल जाएंगे। अब ये सारे वो हैं जो आपको सारे पीलर और गटर इससे रेलिवेंट प्रोडक्ट्स हैं, और ये मैंने सारी वो आईक्यू स्कोर से सॉर्ट किया इन सबको। इन सबका आईक्यू स्कोर अच्छा, मतलब इनके अगेंस्ट कम्पीटिंग प्रोडक्ट्स कम है, उसका मतलब है जब हम इस प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे हमारी हमें रैंकिंग बहुत आसानी हो जाएगी। और आप सर्च वॉल्यूम वाइज सॉर्ट करके भी देख सकते हो। ठीक है, और यहाँ से ऑलरेडी आपके पास 94 हमजा भाई, कीवर्ड। जी हमजा भाई, जो आपने कौन शिपर खोला था इसको, एक अपना खोलना जरा, जी ये वाला, इसको जरा नीचे करना। हाँ जी, इसको जरा नीचे करना, नीचे। अब ये देखें इसके, ठीक है। अब ये इसमें डिजाइन के वेरिएशन हैं इसमें, यानी कि ठीक हाँ है, इसमें है ना, इसमें काफी तीन तो इसके डिजाइन अभी यही नजर आ गए है। एक ये स्टील वाला ज्यादा बिक रहा है, और एक ज्यादा चल रहा है, और एक येलो वाला। बाकी इसके अलावा ये देखो एक ये और भी आ, बीच में दो तीन और हैं इस तरह। अगर तो होता ना पूरे पेज पे इस तरह की होती, ये इस तरह की, या इस तरह की होती, या इस तरह की होती, तो हम कहते कि यार इसमें ज्यादा ये साइज ये चीज चल रही। लेकिन। अगर हमजा भाई, अगर बंदा ये करे कि इसको एनालिसिस करके देखे कि कौन सा डिजाइन ज्यादा बिक रहा है, और बंदा वही मार्केट में ले आए, तो वो कर सकते हैं, वो पहले आपका बाकी क्राइटेरिया तो पूरा करे ना, वो बाकी क्राइटेरिया पूरा करिए, फिर उसके बाद देख लेते हैं। अगर उसमें बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं है ना, थोड़ी पांच छह हैं, तो फिर हम देख लेते हैं कि कौन सा डिजाइन हमने चूज करना है, फिर हम उसी डिजाइन में सिर्फ कंपेटिटर्स को टारगेट करते हैं टॉप 10 में, फिर भाई हम उन्हीं। इसके ना, इसके गिव अवेज भी ज्यादा होंगे। मोस्टली ये होता है कि वो फर्स्ट लुक पे ही रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि जब सर्च वॉल्यूम तकरीबन मेरे हिसाब से 17,000 जिसका सर्च वॉल्यूम है ना, वो गिव अवेज के क्राइटेरिया पे मैच करती है। उससे ज्यादा सर्च वॉल्यूम होता है तो डायरेक्ट ही गिव अवेज उसके ज्यादा हो जाते हैं, फिर उसी टाइम ही वो हम कहते हैं कि इस पर नहीं हम जा सकते। गिव अवेज को देखना ही नहीं आपने अभी, गिव अवेज छोड़ दो, गिव अवेज का जमाना चला गया, आपने बाकी क्राइटेरिया देखने। एज लॉन्ग एज उसमें आपको रिव्यूज कम नजर आ रहे हैं, 150, 200, 300, 150 इस तरह बीच में कंपटीशन है, और बाकी क्राइटेरिया मीट करिए, इतनी मैच्योर इमेच्योर लिस्टिंग नहीं है, 6, 5, 6 से ऊपर उसका अपॉर्चुनिटी स्कोर है, तो उस प्रोडक्ट में किया जा सकता है। बस ये कंपीटिंग प्रोडक्ट्स देख लिया करो, ये ज्यादा ना हो, 1,000, 2,000 भी नॉर्मल है। वो तो उन्होंने मैक्सिमम क्राइटेरिया में तो मैक्सिमम 30,000 है। अब ये 27 कंपीटिंग प्रोडक्ट वाली कीवर्ड प्रोडक्ट आप लॉन्च करोगे, आपको चलती आप रैंक होगी, गिव अवेज की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, गिव अवेज करने ही नहीं आपने। ठीक है, बस ये इसी तरह इसको देखोगे ना, डीप में जाओगे, आपको आइडियाज मिलना शुरू हो जाएंगे, वेबसाइट्स आपकी इस तरह की साइट्स ओपन करोगे, यहाँ से आपको बहुत सारे आइडियाज मिल जाएंगे। ठीक है, या आप डायरेक्ट गूगल पे भी जाके अपनी सेटिंग करके यूएस की उसमें सर्च कर सकते हो बेस्ट सेलिंग किचन प्रोडक्ट्स लेटेस्ट, और ये भी या गाइड कर दीजिएगा कि टॉप 10 सेलर्स को इसमें से कैसे निकालना है, क्या चीज टॉप 10 सेलर्स, टॉप 10 किसके। मतलब कोई भी प्रोडक्ट, मतलब इसके ही निकाला, अब इसके टॉप 10 सेलर्स हम कैसे निकालेंगे, जो कौन टॉप 10 शिप करते हैं। जी, कीवर्ड्स या टॉप 10 कीवर्ड्स शायद क्या था, टॉप 10 नहीं, सेलर्स, सेलर उनकी फिर सेलर्स के आगे से हम रिवर्स सर्चिंग कर सकते हैं ना, तो इसलिए मोस्टली हमें मिलते टॉप 10 हैं सेलर्स आपने वो सेलर्स। चूज करने हैं जो आपने डिजाइन सेल करने हैं, उनको उन्हीं सही के। है, और अगर आप अगर एक ही जैसी एक ही प्रोडक्ट जो ऐसी प्रोडक्ट है जो सारे एक जैसी भेज रहे, फिर उसमें तो आप जब आप सॉर्ट कर लोगे ना आई टू लो, तो उसमें आपके जो बनेंगे वही आपने चूज कर लेने। और अगर आपकी ऐसी प्रोडक्ट जिसमें आपने डिफरेंट डिजाइन सेलेक्ट किया है, तो फिर आपने देखना है कि जितने भी सेलर्स हैं ना
उनमें जो है आपके डिजाइन वाले कौन कौन से हैं जो आपके टारगेटेड डिजाइन है, सिर्फ उनको आपने अपना कंपेटिटर कंसिडर करना है, ऊपर से नीचे हाई टू लो करके सर्च वॉल्यूम सॉर्ट करके बाकियों को स्किप करते जाने, उन्हीं का आप रिवर्स एसेसिंग करोगे। यही है बस, ये है यहीं से आपको मिल जाएंगी प्रोडक्ट्स। साथ साथ इस कीवर्ड रिसर्च मैग्नेट में भी आप वो कीवर्ड डालते रहो, जो आपको नया प्रोडक्ट कीवर्ड पता चल जाए, यहाँ से आप ये स्लाइसर उठा के इसमें डाल दो, ठीक है कि ये जेस्टर डाल दो और पीलर डाल दो, यहाँ पे आपको मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आइडियाज़ मिल जाएंगे यहाँ से मैग्नेट्स, उनको आप देखते रहो ताकि आपका बाकी मैनुअल वाला दूसरा टाइम बच जाए, सिर्फ एक एक प्रोडक्ट आप खोल के उसका कीवर्ड ढूंढते हो फिर इस तरह। तो भाई यूएसए के कितने अभी तक फाइनल हो गए हैं जी? यूएसए की प्रोडक्ट्स अभी तक कितने फाइनल हो गए हैं शॉर्टलिस्ट यानी कि कितने हैं? यार वो मैंने काफी, मैंने तो खुद से तो मैंने की हुई है क्योंकि मैंने उस बंदे को देनी अभी, तो अगर आप लोगों की सी ना हुई तो फिर मैं खुद ही कर दूंगा, मुझे खुद ही करनी पड़ेगी फिर, तो मैं आप खुद ही देखूंगा आज बैठ के। मैंने फिर क्योंकि मैं ऑस्ट्रेलिया में भी कर रहा हूं, मैं कनाडा में भी कर रहा हूं, मैं यूके में भी कर रहा हूं, तो वो फिर मैनेज करना पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में तो मैनुअल है, टूल्स है ही नहीं उसको, अब मैं उसकी अब हम मैनुअल ट्रैकिंग करेंगे प्रोडक्ट्स की, उसमें एक छोटी सी मार्केट है, इतना मसला नहीं है। यूके में ज्यादा मुश्किल है, यूएस में तो इतना मुश्किल नहीं है देखा जाए ओवरऑल। ये एक न्यू रिलीजेस, एक लड़का था इनेबलर का ना, उसका उससे मैंने पूछा तुम्हारी प्रोडक्ट जो अप्रूव हुई है कैसे हुई है, वो कहता है मुझे यहाँ से मिली है प्रोडक्ट न्यू रिलीजेस से, कहता है मैं यहाँ से हमेशा जाके देखता हूँ। ठीक है यहाँ पे आप न्यू रिलीजेस में आओ, यहाँ से आप कैटेगरी चूज कर लो वुमन किचन, और यहाँ से अपनी फिर सब कैटेगरी में जाके देखते रहो न्यू रिलीजेस में कौन कौन सी आपको डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिल जाए, क्या पता आपको अच्छी प्रोडक्ट मिल जाए यहाँ से। किचन एंड डाइनिंग में चल जाओ, जितना आप अंदर सब कैटेगरीज में जाओगे ना उतने आपको कंपटीशन कम होता जाएगा आपको। अभी ये मीटिंग का टाइम थोड़ा 2 मिनट रह गए खत्म होने में, ठीक है तो आप यहाँ से भी आप डायरेक्ट आपको कोई नई प्रोडक्ट नजर आए ना इसको आप ओपन कर ले, ओपन करके रिवर्स एसेसिंग कर लो, ये सारी न्यू अराइवल्स हैं, ठीक है यहाँ से आप इनको देख सकते हो, फिर इनकी मजीद सब कैटेगरीज में चले जाओ। एक 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 पकड़ लो आपका, मैंने ना आज पूरे दिन मैंने इस पूरी कैटेगरी को देखना है, इसको या इसको देखना है, या मैंने घंटा इस पे लगाना है, तो आप इसमें जाओ फिर, या इस सिर्फ दो दो पेजेस होते हैं उनको देखते रहो, फिर इसकी अगली सब कैटेगरी में चले जाओ, ये देखो यहाँ से और आ जाएंगे आप बस, फिर इसमें चले जाओ, यहाँ से आपको पता चल जाएगा न्यू कौन कौन सी आएगी। इस यही सेम चीज़ आप बेस्ट सेलर में भी जाके कर सकते हो, बेस्ट सेलर के अंदर भी यूँ सब कैटेगरी में, सब कैटेगरी में जाके जो उस पर्टिकुलर सब कैटेगरी का बेस्ट सेलर होगा ना। या एक और चीज़ आपको बताता हूँ, जब आप कोई प्रोडक्ट ढूंढते हो ना, जैसे अब ये प्रोडक्ट है यहाँ पे, आप इसके नीचे आओगे आपको इसकी कैटेगरी और सब कैटेगरी नजर आएगी इधर, ये किचन एंड डाइनिंग और पिलर्स, अब ये सब कैटेगरी आपको डायरेक्ट कोई मिल गई, ठीक है उस पर आप क्लिक करोगे तो आपको सब कैटेगरी के बेस्ट सेलर नजर आ जाएंगे जो आपको पता नहीं। ये देखिए कितने अंदर जा गई थी कैटेगरी, ठीक है ये एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ये चीज़ें करोगे आपको इंशाल्लाह बड़ी फिट फिट प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ठीक है अभी ये टाइम खत्म होने वाला, मीटिंग एंड हो जाएगी तो मैं इसको वो कर देता हूँ, स्टॉप कर देता हूँ, खत्म करते हैं। अच्छा मतलब भाई वो आपने ऑस्ट्रेलिया की बात की है, तो वो उसमें टूल्स खुद ढूंढ देते हैं ये प्रोडक्ट्स, उसमें मैनुअल देखनी पड़ती है। हीलियम 10 में आया है, हीलियम 10 अभी ऐड हुआ है ऑस्ट्रेलिया, लेकिन एक्सरे नहीं चलता, सेरिब्रो चलते हैं लेकिन वो भी उस तरह के सही एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं देता। वो भी हमने एक और टूल देखा, एक वो जेड से कोई बनता है, उस वो टूल अच्छा है, वो उस टूल को भी हम देख रहे हैं क्लाइंट से परचेज कराएं, तो उसको अभी हम टेस्ट करेंगे ऑस्ट्रेलिया में, और उसकी लेकिन ये है कि उसमें आप स्टॉक आपने मैनुअल चेक करना है कि कितने यूनिट्स बिक रहे हैं सारी चीज़।